सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12th मैथ्स NCERT चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन समझाने वाला हूं जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 है ऑनवर्ड्स फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज fx इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन 2। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करके देखें ताकि आपको इससे बेनिफिट हो सके। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं फंक्शन जहां पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जैसे यहां 2 पे हो गया, तो हमें डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ओनली एट उस, है ना, जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करेगा वहां चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के लिए थ्योरेटिकल रूल तो है लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस fx इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट रहा, फिर राइट हैंड लिमिट दैट इज x अप्रोचिंग 2 प्लस fx, फिर हम बोल सकते हैं f ऑफ 2। अगर ये तीनों बराबर है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे में तो फंक्शन fx है मेरा 2x प्लस 3 लिमिट x अप्रोचिंग यहां लिख सकते हैं 2 माइनस इज इक्वल टू, 2 से अगर मैं बड़ा बात करूं तो 2 से बड़े में fx बन जा रहा है मेरा 2x माइनस 3, तो 2 से अगर प्लस राइट हैंड लिमिट बात करें तो 2 प्लस में fx हो गया 2x माइनस 3 और f ऑफ 2 मतलब इक्वालिटी 2, तो इस रूल से जाएंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहां पे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 4 प्लस 3 आ गया 7, यहां पे 2 पुट करता हूं 4 माइनस 3 आ गया 1 और ये है 7। तो यहां देख सकते हैं ये तीनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। आपसे पूछा था फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूस है, तो आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर इसका ग्राफ बनाने की बात आए तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, f ऑफ 2 तो 7 है, f ऑफ 2 मेरा 7 है, और अगर मैं 2 प्लस बात करूं 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू है मेरी 1, 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू है 1 और यहां पे आते हैं 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू है 1 और अगर मैं 2 से बड़े में बात करूं y इक्वल टू 2x माइनस 3 मतलब स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट माइनस 3 से पास होती हुई कोई लाइन होगी, 2 प्लस पे ग्राफ ये रहा दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और 2 से छोटे के लिए बात करूं तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 से छोटे के लिए बात की जाए तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 सेम है ना, मतलब लाइन का स्लोप सेम होगा, मतलब लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन और यहां पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 2x प्लस 3, तो हम बोल सकते हैं ग्राफ बनाते वक्त और 2 पे वैल्यू 1 है, यहां पे हम बोल सकते हैं 2 पे वैल्यू इक्वालिटी के हिसाब से 7 है, यहां पे 1 नहीं है, तो यहां पे आप इसको ओपन कर देंगे तो यहां हम देख पा रहे हैं ग्राफिकली भी कि आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। जहां तक हो सके पहले तो यहां पे आप ना इस जहां डेफिनेशन चेंज हो रहा है बोर्ड में इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और एक एडिशनल के तौर पे आप अलग से एक ग्राफ बना के दिखा देंगे जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x x माइनस 3 टू 3 एंड 6x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पे हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जहां फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3 पे मैं चेक करूंगा, अब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूस ही है, आपको चेक करना होगा, तो चेक करने के लिए आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग माइनस 3 माइनस fx, आप चेक करेंगे क्या ये मेरा लिमिट x अप्रोचिंग माइनस 3 प्लस fx
और f of minus 3 के बराबर है या नहीं है। तो minus 3 minus, minus 3 से छोटा, तो definition है mod x plus 3, limit x approaching minus 3 minus is equal to minus 3 plus, मतलब minus 3 से बड़ा है, तो fx हो गया मेरा minus of 2x, तो यहां से लिख सकता हूं limit x approaching minus 3 plus और f of minus 3, तो equality यहां पे है, तो f of minus 3 मतलब minus 3 यहां put कर दीजिए, तो minus 3 का mod 3, 3 plus 3 निकल के आएगा 6, तो यहां minus 3 रखते हैं, minus 3 का mod 3, 3 plus 3 आया 6, यहां minus 3 रखिए, तो minus 3 into minus 2, ये भी आया 6 और ये भी आया 6, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तीनों बराबर है, तो आप बोल देंगे therefore f is continuous at x equal to minus 3। आपसे discontinuous कहां था ये पूछा जा रहा है, points of discontinuity निकालनी है, तो minus 3 पे तो continuous है, अब आते हैं x equal to 3 पे, तो x equal to 3 पे check करना है, तो आप लिखेंगे limit x approaching 3 minus fx is equal to limit x approaching 3 plus fx is equal to f of 3, तो 3 माइनस की अगर बात की जाए, 3 से छोटा के लिए fx डिफाइंड है मेरा minus 2x, 3 माइनस में ये रहा x approaching 3 माइनस, फिर x approaching 3 प्लस पे अगर बात की जाए, 3 से बड़ा है तो fx है 6x plus 2, that is 6x plus 2 और f of 3 अगर देखूं तो equality यहां पे है, so 3 put कीजिए, 18 plus 2 is 20, अब यहां पुट कीजिए 3 प्लस में 3, तो 18 प्लस 2 इज 20 और यहां पे 20 और यहां पे 3 पुट कीजिए, तो ये आया 6 माइनस 6, तो यहां से हम देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं therefore f is discontinuous at x is equal to 3, तो यहां से आपने बोल दिया कि फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस है। अगर अब हमें ग्राफ बनाना पड़े, वैसे आपका बोर्ड के हिसाब से तो ये यहां तक खत्म हो जाता है सॉल्यूशन, पर अगर मैं एक एडिशनल अगर ग्राफ बनाने पे आऊं, तो ये माइनस 3 से मेरा 3 तक के लिए बात हो रहा है, अब हम देख सकते हैं यहां पे 3 से बड़े के लिए fx equal to 6x plus 2, तो यहां पे 3 से बड़े के लिए 6x plus 2 और 3 पे अगर वैल्यू देखी जाए, तो 3 पे वैल्यू है मेरी 20, तो यहां पे 3 पे वैल्यू है 20, 6x plus 2 मतलब लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती, पॉजिटिव स्लोप y is equal to या 6x plus 2 करते हुए somewhat like this, ठीक है। अगर हम बात करें minus 3 minus की बात की जाए, तो ग्राफ है mod x plus 3, तो minus 3 minus और minus 3 minus पे value है मेरी 6, minus 3 minus पे value है मेरी 6, तो ये कहीं 2 रहा, ये कहीं 6 रहा, है ना, तो यहां पे हम एक approximate graph बना के दिखा सकते हैं, तो इसका graph होगा positive slope आएगा और ये कहीं 3 से pass होता हुआ दिखेगा, जिसका intercept y is equal to 3 होगा, तो graph मेरा कुछ इस तरह से आएगा, तो ये हो गया y is equal to, यहां पे minus है, तो minus जब x negative लेगा तो mod minus को लेगा, तो ये हो गया minus x plus 3। अगर अब हम बात करें यहां पे minus 3 पे वैल्यू है 6 आपकी और इक्वालिटी यहां पे है ना 6 ही है यहां पे, तो minus 3 minus पे 6 ही है और 3 पे मेरा 20 है, अब बात हो रही है minus 3 से 3 तक के लिए, तो minus 3 से 3 तक के लिए y is equal to minus 2x जैसा ग्राफ बनेगा और 3 पे वैल्यू हम बात करें 3 minus पे वैल्यू आएगी मेरी minus 6, तो यहां पे आपका ग्राफ अगर बनाने की बात आए तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो minus 3 है ना पे तो 6 है इसलिए कंटीन्यूअस आपने ग्राफ बनाया और ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ये रहा y equal to मेरा minus 2x और 3 plus पे 6x plus 2 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से रहा, तो ये रहा question number 7 का graphical approach, जहां पे आपको point of discontinuity पूछा था, तो x equal to 3 वो point of discontinuous रहा, तो यहां तक आप screenshot जरूर। question number 8 है fx equal to mod x by x, x not equal to 0 and x equal to 0 है, तो fx की value है 0। अब यहां पे हमें देखने में समझ आ रहा है फंक्शन
कहां पे चेक करना पड़ेगा, जहां अपना डेफिनेशन चेंज कर दिया, डेट इज एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ एक्स एंड एफ ऑफ जीरो. तो एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन अलग से डिफाइंड है जीरो, एंड जीरो माइनस पे अगर बात की जाए तो जीरो माइनस या जीरो प्लस दोनों में फंक्शन डिफाइंड है मॉड एक्स बाय एक्स, और यहां पे है जीरो प्लस में फंक्शन है मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. अब जीरो माइनस का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं जहां पे आपका जीरो माइनस जाएगा वहां पे आपका एफ एक्स हो जाएगा, जहां पे एक्स रखना है एक्स की जगह आप रख देंगे जीरो माइनस एच, दैट इज माइनस एच. तो ये हुआ मॉड ऑफ माइनस एच बाय माइनस एच. और वैसे जहां आपको जीरो प्लस की बात करनी है वहां पे तो एफ एक्स में एक्स जाएगा जीरो प्लस एच, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा, और यहाँ पे एच जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा. और अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ माइनस एच, माइनस 0.0001 का मॉड हो जाएगा एच, नीचे है माइनस एच, तो ये बन के आया मेरा एच बाय माइनस एच. यहाँ पे मॉड एच है ना, यहाँ एच पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो प्लस 0.00001 इसका मॉड हो जाएगा एच बाय एच. तो यहां से हम देख सकते हैं h by minus h आया माइनस वन, h by h आया वन, और यहां पे जीरो. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ये तीनों इक्वल नहीं है, तो यहां से हम बोल सकते हैं f is discontinuous at x equal to zero. तो ये तो हो गया आपका discontinuous किस पॉइंट पे है, ये तो आपने थ्योरेटिकली दिखा दिया. f is discontinuous at x equal to zero. और हम जानते हैं ये फंक्शन है ना, कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उन स्पेशल फंक्शन में से ये आपका सिग्नम फंक्शन इसी को कहते हैं. सिग्नम फंक्शन मतलब यहां पे जीरो प्लस अगर है तो आपका वैल्यू है वन, जीरो प्लस पे वैल्यू है मेरा वन, यहां से जीरो से अगर बड़ा हो जाता है तो वैल्यू वन आता है वाई इक्वल टू वन, और अगर जीरो माइनस है यहाँ पे तो वैल्यू है माइनस वन, जीरो माइनस है तो वैल्यू है माइनस वन, पर जीरो पे आपका ना ही माइनस वन है और ना ही प्लस वन है, जीरो पे आपकी वैल्यू है एग्जैक्ट जीरो. तो यहां से हमें देखने में समझ आ रहा है कि ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हुआ. तो यहां से आप बोल सकते हैं एक्स है ना इक्वल टू जीरो पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है. आपसे पूछा था कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. 9 आते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स लेस देन जीरो एंड माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो यहां पे देखने में समझ आ रहा है फंक्शन अपना डेफिनेशन एक्स इक्वल टू जीरो पे चेंज कर रहा है, तो हमें जीरो पे बात करनी है. तो आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू आपका बन क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. तो f ऑफ जीरो अगर मैं बात करूं इक्वालिटी, तो जीरो पे तो डेफिनेशन है माइनस वन, और फिर जीरो प्लस जीरो से बड़े के लिए अगर बात किया जाए तो जीरो से बड़े के लिए एफ एक्स माइनस वन, और अगर जीरो से छोटे के लिए बात किया जाए तो जीरो से छोटा जीरो माइनस पे डेफिनेशन है एक्स बाय मॉड एक्स. जीरो माइनस का मतलब होगा एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, मतलब जहां पे एक्स है वहां रख दीजिए माइनस एच, और नीचे जहां एक्स है वहां रख दीजिए माइनस एक्स, और जीरो माइनस एच में एच जीरो को अप्रोच करेगा. यहां पे जीरो पुट करते हैं तो यहाँ एक्स है ही नहीं, तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पे है माइनस वन. अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मॉड ऑफ माइनस एच हो जाएगा मेरे पास एच, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, ये हो गया माइनस एच बाई एच, यहाँ पे है माइनस वन और यहाँ पे भी है माइनस वन. तो यहाँ से आप देख सकते हैं एच से एच कटा, तो यह है माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तीनों वैल्यूज बराबर है. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफोर f is आपका continuous at x is equal to zero. तो x equal to zero पे मेरा function जो है वो continuous है.
अगर मैं इसके ग्राफ बनाने की बात करूं एफ एक्स है ना, इस अलग अलग डेफिनेशन से जहां तीनों जीरो पे है ना, जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे वैल्यू आपकी माइनस वन है, तो जीरो से बड़े के लिए एफ एक्स है माइनस वन, तो जीरो से बड़ा मतलब वन टू थ्री एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू है मेरी माइनस वन, तो यहाँ पे जीरो पे भी माइनस वन है और जीरो से छोटे पे भी माइनस वन है, पर यहाँ पे डेफिनेशन मॉड एक्स बाय एक्स जैसा ही कुछ है सिग्नम वाला, तो जीरो से छोटा कुछ भी रखिए ऊपर माइनस टू बाय मॉड ऑफ माइनस टू दैट इज माइनस टू बाय टू माइनस वन ही आएगा, तो आपका ग्राफ या दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां से आप बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपसे पूछा था डिसकंटिन्यूअस कहां है, पर यहां पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स ऑल रियल नंबर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 10 पे आते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स लेस देन वन। तो यहां पे देखने में समझ आ रहा है एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो आपको एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना होगा फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, वन से छोटा, तो वन से छोटा है तो एफ एक्स हो जा रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग हम देख सकते हैं वन माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन प्लस, मतलब एक्स अगर वन से बड़ा है तो वन से बड़ा है तो एफ एक्स हो गया मेरा एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ वन इक्वालिटी अगर पुट करूं तो वन प्लस वन हुआ टू, यहाँ पे वन पुट कीजिए वन प्लस वन आया टू, ये टू था ही, और यहाँ वन रखिए तो वन प्लस वन इज टू, तीनों वैल्यू बराबर है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आप बोल सकते हैं वन। जहां पे डेफिनेशन चेंज होगा बस वहीं चेक करना है, क्योंकि बाकी जगह तो पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन मतलब वन से छोटे में और वन से बड़े में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे हम जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ बनाने की बात आए तो वन पे चाहे वन प्लस देखो वन माइनस देखो वैल्यू मेरी टू है। अब वन से छोटा में अगर बात की जाए तो ग्राफ आपका एक पैराबोला बनेगा जहां x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू वन होगी, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू वन होगी और ग्राफ एक पैराबोला बनेगा, तो ग्राफ ये रहा वन से छोटे में एक पैराबोला शेप ग्राफ रहा जहां x इक्वल टू वन पे उसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रहा, और जीरो से वन से बड़े के लिए बोलूं तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन मतलब पॉजिटिव स्लोप एंड y इंटरसेप्ट वन, तो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब यहां से देख सकते हैं यहां तक तो पैराबोला शेप है, वन पे आके एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, पर कहीं पे मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स एंटायर डोमेन, तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी कहां है, कहीं पे नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ढूंढना है फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स ग्रेटर देन टू। तो यहां से हम देख सकते हैं डेफिनेशन फंक्शन का चेंज हो रहा है एक्स इक्वल टू टू, तो आप लिखने जाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस एफ एक्स is equal to limit x approaching 2 plus fx is equal to f of 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां पे डेफिनेशन x equal to 2 पे चेक करने का कंटिन्यूटी कुछ ऐसा है, तो 2 से अगर छोटा अगर मैं बोलूं तो डेफिनेशन के हिसाब से 2 से छोटे के लिए fx बना हुआ है x cube minus 3, और अगर 2 से बड़े के लिए बात की जाए तो 2 से अगर बड़ा है फंक्शन तो एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एफ ऑफ टू इक्वालिटी यहाँ पे है तो 2 क्यूब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब 2 पुट करता हूँ 8 माइनस 3 आया 5, यहाँ 2 पुट कीजिए तो 4 प्लस 1 आया 5, और ये 5 है ही, तीनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। अब यहां पे आगे तो पॉलीनोमियल फंक्शन है तो आगे में ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेंगे। अब इसके ग्राफ की बात की जाए, चलिए तो 2 से बड़े के लिए एक आपका पैराबोला शेप ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ ऐसे आते हुए और ये रहा,
तो यहां से हम बोल सकते हैं कुछ ये रहा और जीरो पे वैल्यू होता वन, और यहां पे हम बोल सकते हैं टू पे वैल्यू मेरी है, टू प्लस बोलूं या टू माइनस बोलूं, टू पे वैल्यू है फाइव। तो ग्राफ तो कुछ ये रहा, टू से बड़े के लिए y इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब टू से छोटे के लिए ग्राफ आपका एक हाइपरबोला है, सॉरी यहां पे आपका एक है ना क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होगा, तो जीरो पे वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी, तो जीरो पे वैल्यू माइनस थ्री ग्राफ कुछ है ना, अगर हम बात करें यहां पे एक्स क्यूब का तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, और माइनस थ्री पे अगर बात करूं तो नीचे से निकल के आता, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा फंक्शन होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री का फंक्शन का ग्राफ कुछ ये निकल के आएगा, और जीरो पे वैल्यू इसकी माइनस थ्री हो जाएगी, तो ये फंक्शन और यहां पे आपके टू पे वैल्यू इसकी फाइव आ ही रही है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं वन पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा, तो यहां पे वन पे तो वैल्यू आएगी इस फंक्शन की माइनस टू, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा। तो ये रहा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री का ग्राफ। तो यहां से हम देख सकते हैं x इक्वल टू वन पे वैल्यू है मेरी माइनस टू, और x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू है माइनस थ्री, तो ग्राफ कुछ इस तरह से रहा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो ये रहा क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन माइनस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन वन के लिए आपका x square है, x equal to 1 पे चेक करने जा रहा हूं। तो यहां से हम लिख सकते हैं limit x approaching 1 minus fx is equal to मेरा limit x approaching 1 plus fx is equal to f of 1, ये तीनों बराबर है या नहीं है, तो 1 plus में तो definition है आपका x square, तो 1 plus में तो fx हो जाएगा x square। फिर हम बात करते हैं 1 माइनस पे, 1 से छोटे के लिए डेफिनेशन है fx का x पावर 10 माइनस 1, तो ये 1 माइनस पे रहा। और इक्वालिटी अगर बात की जाए, इक्वालिटी यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया 0, अब यहाँ पे 1 प्लस पुट कीजिए तो ये 1 आया, यहाँ 1 प्लस पुट कीजिए 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे आपका 0, तीनों इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे वन पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होने गया, तो वन से बड़े के लिए एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला शेप बनता, तो कुछ इस तरह से होते हुए ये रहा। तो ये वन प्लस पे वैल्यू कुछ ऐसे आती वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वन पे अगर ये इसके हिसाब से देखा जाए वैल्यू वन होता। अब यहाँ पे वन से छोटे के लिए डेफिनेशन यहाँ जाएगा, तो वन पे तो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आपकी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे वन पुट कीजिए वन माइनस वन जीरो, और वन माइनस पे भी जीरो है, यहाँ पे वन पे इसके हिसाब से नहीं जाएगा। अब यहां पे अगर आप बात करें तो जैसे जैसे x बढ़ेगा पीछे की तरफ वैसे वैसे वैल्यू आपकी और नेगेटिव होती जाएगी, तो यहां से हम बोल सकते हैं जीरो पे वैल्यू माइनस वन होगी, तो यहां पे आप बोल सकते हैं ये रहा, और यहां पे आपका ग्राफ कुछ इस तरह से खुलेगा। ये भी एक है ना, आप ये नहीं बोल सकते पैराबोला होगा, पर कुछ है ना जो कर्व है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, तो एक्स क्यूब आपको कुछ ये रहा, एक्स फोर कुछ ऐसा रहा, तो और इसका जो पावर बढ़ने से बस इसका जो कर्व का जो टेंडेंसी है वो चेंज होता जाएगा, तो इसका आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है ना के हिसाब से आप बोल सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन, और फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त भी देख पा रहे हैं x इक्वल टू वन पे मुझे पेन उठाना पड़ा, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 13 पे आते हैं, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस 5, x लेस देन इक्वल टू 5 1 एंड x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1 अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे देखने में समझ आ रहा है कंटीन्यूअस है या नहीं है, बस ये पूछा है। तो हम यहां बताएंगे x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, 1 पे कंटीन्यूअस है तो थ्रू आउट कंटीन्यूअस है। चलिए आते हैं, तो यहां से आप बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस fx आपका लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस fx
आपका f ऑफ 1 के बराबर है या नहीं है। तो 1 से छोटा 1 माइनस, तो fx है x प्लस 5, 1 माइनस पे मेरा fx है 1 प्लस 5, x प्लस 5, और यहाँ पे 1 प्लस पे, 1 से बड़े पे fx है x माइनस 5, 1 से बड़े पे आपका fx है x माइनस 5, 1 प्लस पे, और 1 पे इक्वालिटी 1 यहाँ पुट करिए, 1 प्लस 5 आया 6, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 5 है माइनस 4, यहाँ 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 5 है 6, तो यहाँ से हम देख सकते हैं तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफोर f इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। पूछा था क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो आप बोलेंगे ना ओवरऑल फाइनल आंसर नो, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, इज नॉट कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये रहा, अब इसी को मैं ग्राफिकली दिखाने जाता हूं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, x इक्वल टू 1 यहां पुट करता हूं तो वैल्यू आता है मेरा 6, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 1 प्लस पे, और 1 पे यहां पे 1 प्लस पे वैल्यू है माइनस 4, है ना, 1 प्लस पे वैल्यू 6, 1 प्लस पे वैल्यू माइनस 4, 1 पे और 1 माइनस पे वैल्यू है मेरी 6, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 1 माइनस पे और यहां पे वैल्यू है 6 और 1 प्लस पे वैल्यू है मेरी माइनस 4। अब यहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो 1 से अगर बड़ा है तो x की वैल्यू है माइनस x माइनस 5, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 से बड़े के लिए आपका माइनस 5 से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये रहा y इज इक्वल टू x माइनस 5, और 1 माइनस पे अगर बोलूं तो यहां एक पैरेलल लाइन होगी जिसका y इंटरसेप्ट होगा 1 माइनस की अगर बात की जाए तो x प्लस 5, तो यहां पे एक पैरेलल लाइन ये रहा, तो यहां पे हम देख सकते हैं x इक्वल टू 5 से पास होते हुए y इज इक्वल टू x माइनस 5, तो यहां पे 1 पे, 1 पे यहां पे वैल्यू आएगी 6, तो इस रूल के हिसाब से जाना है, और 1 माइनस पे यहां पे आपका ये रूल चलेगा और 1 प्लस पे ये रूल चलेगा, तो पेन कहां उठाना पड़ा, x इक्वल टू 1 पे, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है और बाकी थ्रू आउट फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।